Welcome friends to the Repco Chess Zone. Marshal attack. एक ऐसी opening जो black के लिए बहुत ही अच्छी है against d4. Black can play aggressive move. आज मैं आपको marshal attack के बारे में हिंदी में जानकारी देना चाहता हूँ. इससे पहले मैंने इंग्लिश में एक marshal attack बनाया है. तो मार्शल अटैक क्या है? इससे पार्ट ऑफ ओपनिंग. रुई लोपेस जब व्हाइट खेलना चाहता है e4 e5 एंड f3 c6 बिशप टू b5 तो ब्लैक रुई लोपेस को मार्शल अटैक में कन्वर्ट करता है. दूसरी बात, मार्शल अटैक तभी हो सकता है जब अगर व्हाइट उसे एक्सेप्ट करता है. तो देखिए, e4 व्हाइट की पहली मूव है e4. उसके अगेंस्ट अगर आप मार्शल अटैक करना चाहते हो तो आपको खेलना है e5. जैसे ही वो नाइट से अटैक करता है, नाइट टू f3, e5 पोन को आपको डिफेंस करना है, नाइट टू c6. ये सिंपल किंग पोन ओपनिंग विथ रूल ऑफ एलिमिनेशन. व्हाइट खेलेगा बिशप टू b5. अब आपको सिंपली व्हाइट को क्वेश्चन करना है a6 करके. अब व्हाइट के पास दो रास्ते हैं, या तो बिशप से नाइट को मार दे या फिर बिशप को वापस ले ले. अगर बिशप से व्हाइट नाइट मार देता है तो मार्शल अटैक हो नहीं सकता, वो हो जाएगा एक्सचेंज वेरिएशन. पर बिशप e4 खेलता है तो अब आपके पास चांसेस है मार्शल अटैक करने के. अब आप खेलेंगे नाइट f6. देखिए यहाँ पे ब्लैक e4 पोन को मार रहा है और व्हाइट उसके काउंटर में e5 को मारता है, डिस्ट्रॉय द डिफेंडर बिशप से नाइट मारने के बाद. लेकिन व्हाइट ऐसा नहीं करेगा, व्हाइट खेलेगा कैसल. कैसल करने के साथ ही व्हाइट ने चुनौती दी, अगर आपने e4 पोन मारा तो फिर मैं रुक e1 रखूंगा और बाद में नाइट से e5 पोन मारूंगा. अब आपको खेलना है बिशप e7. फिर से आपने चुनौती दी कि अब मैं ये पोन मारूंगा तो बिंदास. लेकिन व्हाइट रुक e1 खेल के उसे बचाएगा. नाउ आपको खेलना है b5. अटैक दिस बिशप. बिशप जाएगा b3 पे, फोर्स मूव है. अब आपको करना है कैसे. इतने मूव होने के बाद अब व्हाइट को डिसाइड करना है कि वो मार्शल अटैक एक्सेप्ट करे या नहीं करे. अगर व्हाइट एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, सिंपल खेलना चाहता है, डिफेंसिव खेलना चाहता है, तो व्हाइट खेलेगा d3. लेकिन अगर उसे मार्शल अटैक एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे खेलेगा c3. अब जैसे ही c3 किया तो व्हाइट का प्लान है d4 पोन को आगे बढ़ाना और सेंटर पे कंट्रोल करना. लेकिन ब्लैक यहाँ पे एक पोन सेक्रीफाइस करेगा जिससे होगा मार्शल अटैक स्टार्ट. d5 पोन, व्हाइट कैप्चर द पोन, ई टेक्स d5. आपको खेलना है नाइट टेक्स d5. व्हाइट खेलेगा नाइट टेक्स e5. आपको रिकैप्चर करना है नाइट टेक्स e5 बाय नाइट. व्हाइट खेलेगा रुक टू e5. अब ये पोजीशन में रुक और बिशप दोनों का अटैक d5 के नाइट पे है, इसीलिए सिंपल एक ही सपोर्ट है जो क्वीन का. ब्लैक को एक सपोर्ट और बढ़ाना चाहिए पॉन टू c6. यही पोजीशन में अगर व्हाइट बिशप से नाइट मारता है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक के लिए और आसान होगा अटैक करना क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिशप है, वो आपको मिल जाएगा.
लेकिन व्हाइट ऐसा नहीं करेगा, ज्यादातर रेगुलर में डी पोर। अब मार्शल अटैक स्टार्ट, बिशप टू d6, रुक ऑन e1, रुक वापस आएगा e1 पे। आपको खेलना है क्वीन h4। क्वीन h4 यानी क्वीन से h2 मार के चेक करने की थ्रेट। व्हाइट खेलेगा g3। वन मोर थिंग, अगर व्हाइट ने g3 के बजाय ऐसे खेला तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि बिशप सेक्रीफाइस आता है h3 पे और जल्दी ही व्हाइट की गेम क्रैश हो जाएगी। अगर व्हाइट को परफेक्ट फाइट देनी है तो g3 फोर्स मोर। अब आपको खेलना क्वीन टू h3। व्हाइट खेलेगा बिशप e3, सिंपल डेवलप ऑफ द पीस। यहाँ पे आपको करना है बिशप g4। अब आपका आइडिया है यहाँ से बिशप को f3 खेला के अनस्टॉपेबल मेट करने का, लेकिन व्हाइट के पास बीच के रास्ते हैं। अगर परफेक्ट मूव खेलना है व्हाइट को तो इस समय क्वीन टू d3 खेलना। अगर व्हाइट ने क्वीन d3 के बजाय और कोई भी मूव की, दैट मीन्स इंस्टेंट लॉस्ट है, क्योंकि अगर सपोज क्वीन d2 गया तो आप खेलोगे बिशप f3 और बाद में ये चेकमेट g2 पे बच नहीं सकते। तो इसको फोर्स मूव क्वीन d2 के बजाय d3 खेलता है। जैसे ही अगर आप बिशप f3 खेलते हो तो यहाँ पे क्वीन आ जाएगी एक्सचेंज में और उसकी चेकमेट बच जाएगी। लेकिन अगर अच्छा प्लेयर है, क्वीन d3 खेलता है, तो फिर आपको सिंपल डेवलप में ध्यान देना है, बिशप f3 खेल के वेस्ट नहीं करना। रुक a2 e8, ये कंटिन्यू मार्शल अटैक के मूव्स है। इसमें कई मूव ऑर्डर चेंज भी होते हैं, आपको सिर्फ पोजिशनली याद रखना कैसे अटैक किया जाता है ब्लैक। ब्लैक की प्लानिंग है यहाँ पे f5, यू कैन प्ले g5, बाद में f4, इस प्रकार आप अटैक आगे बढ़ा सकते हैं। रिमेम्बर आपका नाइट यहाँ पे पिन है, तो एक बार अगर आपको वेटिंग मूव मिल रहा है तो कभी भी किंग h8 पे खेल के नाइट को फ्री करवा सकते हैं। तो ये कंटिन्यू मूव, उसके रिप्लाई व्हाइट कैसे देता है, आगे आपको हर एक मूव पे मिडल गेम में ज्यादा से ज्यादा सोच के गेम खेलना। जरूरी नहीं कि हर गेम परफेक्ट कितने मूव होते हैं, उसके बाद के मूव कई बार चेंज होते हैं। कई गेम ऐसे अलग अलग मूव में हुई है, जैसे कोई व्हाइट से बिशप e3 खेलने के बाद हार गया है तो नेक्स्ट मूव में वो दूसरी गेम में बिशप e3 नहीं भी खेलता है, कोई और मूव खेलता है। तो उस टाइम पे आपको अपना माइंड परिवर्तन करके अलग अलग प्लानिंग बनाना है। तो ये है परफेक्ट मार्शल अटैक। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाता हूँ, हर बार नया अपलोड करता हूँ वीडियो। और ये मेरा मार्शल अटैक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नेक्स्ट टाइम मैं अपलोड करूंगा। जरूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ नए मूव सीखने को मिलेगा।